दोस्तों स्पीडो में मैच जो कवर करने वाले हैं जेएसए T20 चैंपियनशिप ट्रॉफी का जो कि मैच खेला जाएगा, जो कि दिन में 2 मैचेस होते हैं और ये फर्स्ट मैच है। और ये मैच आप देखोगे रिवर राइन क्लब वर्सेस गुवाहाटी टाउन क्लब के बीच मैच खेला जाएगा, जो कि सिर्फ 4 घंटे में स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम ये वाला मैच भी कवर करेंगे, ये वाला भी करेंगे, ये वाला भी कवर करेंगे। तो सबसे पहला काम करो, हम लोग हर एक मैच कवर करते हैं तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहाँ पर आपको सबसे पहले फाइनल टीम प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं प्रेफर करूंगा। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो मैं प्रेफर करूंगा आप सीधा सीधा कमेंट बॉक्स के लिंक से आ जाओ, लिंक 100% काम करता है, उससे आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे। अगर आप सर्च करोगे तो मेरे नाम से हजारों फेक चांस आपको देखने को मिलेगा टेलीग्राम पे, बट वो उनको मत ज्वाइन करना। आप सीधा सीधा काम कीजिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर कमेंट बॉक्स में जाइए, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर अभी के टाइम 40,800 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। जब तक आओगे मे भी 41,000 प्लस होना ही चाहिए। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करना। डेली फिर विनिंग टीम लोग खुद से देखो, डेली विन करते, डेली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टीम देते, कभी भी आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं करते। एंड बात करते देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी को कवर अप करना चाहूँगा, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं, मैं सीधा सीधा प्रिपेयर करता हूँ लास्ट मैच स्कोर कार्ड, क्योंकि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। ये बड़े कम टाइम में आपको कंफर्म बैटिंग ऑर्डर मिल जाता है, रिसेंट फॉर्म पता चल जाता है, बॉलिंग लाइनअप्स पता चल जाता है, तो ये सब चीज़ें बहुत कम टाइम में क्लियर हो जाता है और वीडियो भी कम बनता है छोटा सा, और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग सा बनता है। स्टार्ट इतना मैटर नहीं करता क्योंकि फर्स्ट टाइम नहीं खेल रहे हो आप लोग, स्टार्ट की हेल्प लोगे आप। वैसे भी इसके बाद और भी मैचेस कवर अप करने हैं, तो पॉसिबल नहीं कि स्टार्ट्स निकाल के, अगर 1-2 मैचेस होता तो वो तो मान सकता था मैं, बट ऑलरेडी इतने सारे मैचेस हैं। तो ये रहा जीएसए T20, वो 12 बजे वाला देखा जाएगा, लेकिन ये अच्छा रहेगा, सुबह सुबह है। तो अभी हम जो कवर कर रहे हैं 7th मैच कवर कर रहे हैं सीरीज के, 7th यानी लकी है। तो रिवर राइन क्लब की बात करें और गुवाहाटी टाउन की, जो लास्ट मैच रिवर राइन जो कि 4th मैच जो कि हमने कवर भी किया था, गुवाहाटी का मैच भी मैंने कवर ही किया था। हाँ, तो हमें थर्ड और फोर्थ मैच चेक करना है, ठीक है? तो थर्ड और फोर्थ मैच चेक करते, तो मेरे हिसाब से देखो तीन दोनों ही अच्छी टीम है। सबसे पहले मैं चेक करना चाहूँगा रिवर राइन की, अच्छी टीम है, कोई ख़राब टीम नहीं है रिवर राइन। तो रिवर राइन की टीम दस ध्यान रखिएगा, ओपन करेंगे टीम दस है नदीमुल रहमान है, तो टीम दस आपको लगेगा कि बॉल देखो है तो बॉलर ही अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। नदीमुल रहमान ओपन करेगा एक्यूट जामन के साथ, वरना बैटिंग करके टीम के विकेट कीपर मणिकरण शर्मा जो कि टीम से वरना बैटिंग है, मैंने आपको पहले भी बोल चुका था कि मणिकरण शर्मा को कवर करके चलिएगा, वरना बैटिंग क्या 56 मारेगा वो भी नॉट आउट पारी, जो कि जबरदस्त आउटस्टैंडिंग था। उसके अफान अहमद है टीम दस से, उसके अलावा देखोगे नासुद अली है, अमित दास देखेंगे कि बॉलिंग किया है नहीं किया है, कितने ओवर बॉलिंग किया है। उसके अलावा देखोगे दवनीश कश्यप भी अवेलेबल है, तो इनका बैटिंग जो कि आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, बस आपको याद क्या रखना है नदीम रहमान ओपन किया है अकीर जामन के साथ रन आउट हो गया था, मणिकरण शर्मा वरना बैटिंग किया है, अफान अहमद फोरना बैटिंग किया है। एक बार देखते हैं इनका पावर प्ले बॉलिंग लाइनअप्स, ये कौन कितना बड़ा बॉलिंग किया है। तो यहाँ पर देखो न्यू वर्सेस संगीत दास ने स्टार्ट किया था, 4 ओवर बॉलिंग के 2 विकेट, अमित दास ने भी 4 ओवर बॉलिंग किया, मिडिल बैटिंग भी किया। उसके अलावा देखोगे बासेफ जो कि टीम से 1 ही ओवर बॉलिंग किया, लेकिन महंगा साबित, राजमोहन जो कि कैप्टनसी कर रहा है 2 ओवर बॉलिंग किया। उसके अलावा देखोगे मयूख सरकार जो कि 4 ओवर बॉलिंग किया लेकिन विकेट लेस गया, सही का जो कि 1 ओवर बॉलिंग किया, नसुद अली जो कि 4 ओवर बॉलिंग के 1 विकेट ले गया। तो ये इनका है, नसुद अली ने बॉलिंग भी किया और साथ ही साथ भाई अमित दास से पहले बैटिंग करने आए हैं, तो कैप्टन कैप्टन जाने में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, हालांकि अमित दास रेगुलर बॉलर है। तो ये है इनका, आप एक बार देख लो पावर प्ले बॉलिंग लाइनअप्स, और ये इनका बैटिंग ऑर्डर जो कि क्लियर, इसमें ज़्यादा कोई डाउट्स नहीं है। नदीमुर रहमान बॉलिंग नहीं कर रहा है। अब GTC के देखते हैं गुवाहाटी टाउन क्लब की, तो ये भी एक अच्छी टीम है। इनका विकेट कीपर अभिषेक गुप्ता है, जो कि टीम से ओपनिंग करे देवराज शर्मा के साथ, विशाल शर्मा वरना बैटिंग करे, जबरदस्त प्लेयर विशाल शर्मा टीम में से 43 मार के भी गया और ये बहुत फॉर्म प्लेयर है। देवराज शर्मा भी अच्छा, बट लास्ट में 0 रन पर पता नहीं कैसा आउट हो गया। अभिषेक गुप्ता जो कि मैंने आपको पहले बोल चुका ओपनर है टीम में से। उसके अलावा युवराज तिवारी जो कि कैप्टनसी कर रहे टीम से, फोर ना बैटिंग कर रहे हैं। उसके अलावा महानंदन बोरा है, कृष्णा गायन, बट इतना नीचे जाओगे तब कोई याद नहीं रहेगा, तब कोई इतना याद रखना है कि टीम के विकेट कीपर अभिषेक गुप्ता ओपन कर रहे, देवराज शर्मा के साथ विशाल शर्मा वर्णन बैटिंग कर रहे टीम से, युवराज तिवारी जो कि कैप्टनसी कर रहे फोर ना, बस इतना याद रखना। पावर प्ले की नज़र मारोगे तो न्यू से स्टार्ट किए थे, देखो अच्छा प्लेयर चयन दास, मैं आपको फर्स्ट वीडियो में भी आपको क्लियर किया था, लेकिन मैंने कवर नहीं किया था उस समय। तो उसके लिए मोहम्मद हरी जो कि टीम दस से 2 ओवर बॉलिंग किया, कवर तो किया था लेकिन 1 विकेट मिल के गया।
उसके लिए विशाल शर्मा, मैं आपको पहले ही बोल चुका, जबरदस्त सेटिंग करता है और फर्स्ट वीडियो में हमने कैप्टन भी कर चुके थे उसका। निश्चय शर्मा जो है टीम से, निश्चय शर्मा भी जबरदस्त है, 3 ओवर बॉलिंग किया। उसके अलावा कंगकरण तालुकदार 4 ओवर बॉलिंग किया, 2 विकेट ले लिया। युवराज तिवारी जो कि कैप्टनसी कर रहे, 4 ओवर बॉलिंग भी कर रहे हैं। तो ये है इनका पावर प्ले, बॉलिंग लाइनअप सभी का देख लो, काफ़ी तगड़ी टीम है GTC। अगर आप देखोगे तो काफ़ी तगड़ा मुझे लग रहा है वो, उससे तो RRR से मुझे ज़्यादा फेवरेट ये लग रही है GTC। और से बोल रहा हूँ तो RRR बोल रहा हूँ, रिवर राइन क्लब से अच्छा ऑप्शन मुझे मतलब कि फेवरेट लग रहा है ये गुवाहाटी टाउन क्लब, ये थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेट, क्योंकि देखो इनके टॉप ऑर्डर बॉलिंग कर रहे हैं, जैसे कैप्टन का बॉलिंग कर रहे हैं, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज खेल कर रहे हैं, उनके पास सीनियर प्लेयर जो थोड़ा सा कम है, तो GTC थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेट है। बाकी टेलीग्राम जो जूस से ज्वाइन कर लेना, फाइनल टी आपको सबसे पहले शेयर कर दूंगा। 41 जब तक आओगे ना, 41 से ज़्यादा लोग आपको ज्वाइन मिलेंगे, तो आप भी जूस से ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, है ना। बात करते हैं प्लेयर वाइज सेंसेस से, 3 घंटे कुछ मिनट बचे हैं, इसके बाद हमें ये मैच भी शूट करना है। कितना वैसे से यार, कोई नहीं, इन्वेस्टमेंट लिमिट में करना, कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है लिमिट में। हालांकि अब अच्छे मैचेस हैं, बात कर विकेट कीपर से, कुछ से पहले दोस्तों वीडियो को जूस लाइक कर, मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ वीडियो जूस लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब कॉल पर सेट कर, आने वाले वीडियो से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिला है। बात कर विकेट कीपर से, काफ़ी लॉस के लिए आपको टीम दूंगा, तो प्लीज़ सभी तरीके से, सभी से, क्योंकि आपको बार बार वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा। इस चीज़ की छुट्टी पाने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, सभी तरीके से सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो देखो मैं जो टीम दूंगा वो आपको लॉस के लिए एक्सपीरियंस स्किल, ये 3 बेस पे मेरी टीम रहेगी, ना कि स्टार्ट वर्स पे। अभी के लिए आप एम शर्मा के साथ जाइए, अच्छा रहेगा टीम से, इनके साथ जाने में फायदा है क्योंकि आपको वरना बैटिंग करेंगे प्लस विकेट कीपिंग, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बाई डिफॉल्ट से भी। उसके अलावा ये अहमद है तो काफ़ी तगड़े प्लेयर, टीम दस से बल्लेबाजी अच्छे कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जैसे देवराज कश्यप को ग्रेली टीम ट्राई करिएगा, डी शर्मा को ग्रेली टीम, जो दोनों को नाक बराबर लोग सेलेक्ट है, बट दोनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, दोनों ओपनर्स है, इन दोनों को ग्रेली टीम ट्राई कीजिएगा। अब स्मॉल इंडिया अवॉइड कर रहे हैं, बट ग्रेली टीम भी दूसरा ट्राई कीजिए, क्योंकि रिस्की ऑप्शन है, एक जबरदस्त विनिंग क्रैक आपको दे सकती है। नीचे कोई खास नहीं है, यानी कि हमें पिक करना पड़ेगा ए अहमद। हाँ, एक चने दास है क्या, तो यार चैन दास, जो कि 4 ओवर बॉलिंग किया था बंदे ने, तो चैन दास भी अच्छा ऑप्शन रह सकता है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से पिक किया जा सकता है। ये अहमद अफान अहमद फोन बैटिंग कर लेता ठीक ठाक टीम से, लेकिन मैं परसों बता रहा हूँ चैन दास अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर सेकंड पिक करने की मजबूरी पड़े तो चैन दास को कवर है। नसुद अली ये भी तगड़ा प्लेयर टीम से बॉलिंग कर रहा है, टीम से सबसे बड़ी बात तो यही है, जबरदस्त ऑप्शन टीम से, देने अच्छा परफॉर्मेंस ही दिया था, बॉलिंग भी करता है नसुद अली, ठीक है, बॉलिंग अच्छा करता है बंदा, तो मैं कवर कर रहा हूँ। अगर थर्ड पिक करना पड़े तो चैन दास को कवर कर सकते, चैन दास अच्छा ऑप्शन है टीम से। उसके अलावा युवराज तिवारी मैं कैप्टन भी करूंगा, लोग 56% लोग क्यों ट्राई कर रहे हैं भाई, मैं पूरा 100% सिलेक्ट करो ना, वो ना बैटिंग भी करेगा, 4 ओवर बॉलिंग भी करेगा, इससे अच्छा ऑप्शन क्या ही आपको मिलेगा। अमित दास लोग 96% बस ऐसे ट्राई कर रहे हैं कि लास्ट बॉडे में कैप्टन क्या भी करेंगे, ठीक है भाई, बंदा विकेट टेकिंग है। एम सरकार अच्छी बॉलिंग कर लेता है, टीम से कवर करके चल सकते हो, लेकिन एम सरकार में उतना परफेक्ट करता नहीं है, 4 ओवर बॉलिंग कर लेगा, कवर कर सकते हो, हम लोग कवर करें तो हम भी कवर कर चलते हैं, 4 ओवर बॉलिंग करें सबसे बड़ा पॉइंट। उसके अलावा नीचे देखोगे कोई कहा, हाँ एक हरीश सर से जो कि बहुत ज़्यादा पिटाई तो हुआ था, लेकिन विकेट मिल गया था, वो तो हम लोगों का किस्मत भी साथ दिया तो विकेट मिल गया, नहीं तो लग नहीं रहा था। तो 3 ही पिक करते हैं, अगर फोर्थ पिक करना पड़ा तो देखा जाएगा राशिद को, लेकिन साइड रखते हैं, पहले मेन पर टारगेट करना विशाल शर्मा भाई, वरना बैटिंग करें जबरदस्त स्पिनर है, कवर कर लो, ये तालुकदार अच्छी बॉलिंग किया था लास्ट मुझे, कवर करके चल सकते, लेकिन सबसे नीचे देख लो एन रहमान, ये बंदा ओपनर है टीम से, ध्यान रखिएगा, जैसे विशाल शर्मा वरना बैटिंग कर रहे हैं ना उसी तरह ये भी, बट ये बॉलिंग नहीं करेगा, ये ओपनर है RRC का। उसके अलावा संगीत दास निवो से स्टार्ट करता है, अच्छा प्लेयर है, नीचे देखोगे तो कोई खास नहीं है, तो सबसे पहले मैं कवर करना चाहूँगा। हाँ कवर करते कि ये तालुकदार को अच्छी बॉलिंग कर रहा है बंदा ना, 2 विकेट लिया था आई थिंक, अच्छा प्लेयर है गंगाकर, देखोगे तब टीम में कवर कर लेते हैं संगीत दास को, अच्छा ऑप्शन है टीम से। अगर तो 9 प्लेयर्स हम पिक कर चुके, अब जो 2 प्लेयर्स बचे हुए अब आप अपने हिसाब से ले सकते हो, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, थोड़ा सा करूँगा, ज़्यादा नहीं, आपको बताता हूँ ऑप्शन के तौर पे, भले ही आपने RR के ज़्यादा प्लेयर्स, बट इनके पास क्या है ना कि देखो थोड़े से ज़्यादा फेवरेट्स ही लग रहे हैं, हालांकि GTC बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, तो मैं GTC को फेवरेट मार्केट टीम बनाऊंगा, लेकिन RRC के जो ज़्यादा प्लेयर्स ले लिए, तो सबसे पहले एन शर्मा अच्छी बॉलिंग करता है, स्पिनर टीम से कवर कर सकते हो, लेकिन मैं अभी प्रेफर उतना नहीं करूँगा, बहुत रिस्की ऑप्शन हो सकता है, एन रहमान से हुक मत कीजिए। उसके अलावा वासिफ जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग तो करता है, लेकिन पिटाई भी बहुत तगड़ा होता है, तो ध्यान रखिएगा, फालतू उससे अच्छा संगीता संगीत दास के साथ जाइए, जो कि टीम से आपको नहीं वो से स्टार्ट करते नजर आ जाएंगे। उसके अलावा इधर से अगर चाहो तो राशिद को पिक कर सकते, जबरदस्त बॉलिंग करता है, पिटाई होता है, लेकिन बॉलिंग अच्छा करता है,
इधर से मैं पिक करना चाहूंगा सबसे पहले एम बोरा वगैरह लोग कवर कर, बट ये सब कवर करने के साथ आप डी कश्यप और साथ डी शर्मा, इन दोनों ग्रेली टीम है, स्मॉल टीम में भी इसके ले सकते हो, बट बहुत रिस्की ऑप्शन हो जाएगा। मैं अभिषेक गुप्ता के साथ जा रहा हूँ जो कि विकेट कीपिंग करेगा प्लस ओपनिंग करेगा, तो पहला रिस्क यहाँ पे ले लिया मैंने। अब उसके अलावा चयन दास को पिक कर लेते जो कि न्यूबॉल से स्टार्ट करेगा टीम 10 से, चयन दास। ओवरऑल टीम बन चुकी है, अब मेरे हिसाब से टीम परफेक्ट है, पर्सनली बोल रहा हूँ। हमारी टीम में टॉप ऑर्डर भी है, मिडल ऑर्डर भी है, तगड़ी टीम है, मेन बॉलर्स भी है, सारे मेन प्लेयर्स हैं। हाँ एक दो प्लेयर्स जैसे छोड़ा, जैसे राशिद एक अच्छा प्लेयर बट पिटाई भी ज़्यादा होता है, राशिद एक अच्छा ऑप्शन था इधर पे। और इधर पे देखोगे तो लोग मजुमदार को कवर करें, बट बता दो ये बॉलिंग करता है एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन साइड रखो यार, हम समय उन लोगों को कवर करने से अच्छा है। कैप्टन कैप्टन देखो टीम परफेक्ट है, सीबीसी का डिसीजन आपको बहुत सही से लेना पड़ेगा आज आपको, बहुत सही से। मैं आपको पहले बता दूं, इन सबसे बैटिंग से होप मत कीजिएगा, जिस प्लेयर्स पे मार्क कर रहा हूँ सीधा से होप मत कीजिएगा बैटिंग से, क्योंकि बॉलिंग करेगा सिर्फ, बैटिंग करने आता है मिडल ऑर्डर ऐसी बात नहीं है, लेकिन बॉलिंग बहुत जबरदस्त करता है बंदा, संगीत दास भी अच्छी बॉलिंग करता है, तो ठीक है। एज ए कैप्टन कैप्टन चाह सकते हो राज तिवारी के साथ, नो डाउट इस सच ऑप्शन में लोग लोग किसको कर रहे हैं, देखो एम सरकार को कर रहे हैं, बट बता दो एम सरकार से ज्यादा अपॉर्चुनिटी उसको पिक तक नहीं करना चाह रहा था, लेकिन लोग इनके साथ कैप्टन जा रहे हैं, इसलिए सिलेक्शन थोड़ा सा सही से करो। युवराज तिवारी है कैप्टन के, फोर ना बैटिंग भी कर लेंगे बस बॉलिंग भी कर लेंगे। वाइस कैप्टन अमित दास के साथ जा सकते हैं, बट आपको क्या है कि ना विशाल शर्मा जो कि टीम 10 से, विशाल शर्मा से ज्यादा फायदा है कि वन ना बैटिंग भी कर रहा है प्लस चार ओवर बॉलिंग भी कर रहा है, एक जबरदस्त ऑप्शन लेंगे। आप अमित दास को भी कर सकते थे जो कि फिर ना बैटिंग भी करके दे देता प्लस बॉलिंग भी कर लेता, तो अमित दास तो ऐसे बहुत इनफॉर्म प्लेयर है, ज्यादा अच्छी बॉलिंग करता है। बॉलिंग वाले भले विशाल मतलब कि देखो विशाल शर्मा अपनी जगह पे सही है, अमित दास अपनी जगह पे सही है, इसके बाद सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है, इसके बाद थोड़ा सा कम दिखा है क्योंकि आपको इनके पास उतना ओवर्स मिलेंगे नहीं, बॉलिंग भली अच्छा कर ले। हाँ उसके अलावा नसुद अली भी अच्छा रहेगा टीम, ये भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ये भाई इससे ये तो इससे पहले भी फोर ना बैटिंग भी कर लेंगे प्लस टीम से बॉलिंग भी करेंगे, तो फिर ना बैटिंग करेंगे बट ये फोर ना पे नसुद अली, ये सब अच्छे रहेंगे भाई कैप्टन के लिए, प्लस बॉलिंग भी करेंगे चार ओवर, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने हिसाब से क्या हूँ, एज ए कैप्टन युवराज तिवारी, वाइस कैप्टन विशाल शर्मा जो कि मेरे हिसाब से टीम परफेक्ट है, और इस टीम का हेड टू हेड लेकर 100 मेंबर्स तक बिंदास इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट लिमिट में कीजिएगा, कोई ब्लाइंडली नहीं इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट लिमिट में कीजिएगा। सेम टीम कॉन्टेस्ट बुक कर दो, सेम टीम साथ मैं मिलता हूँ, फाइन टीम साथ टेलीग्राम पे, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी टीम परफेक्ट है, पर्सनली बता रहा हूँ परफेक्ट टीम है, इसमें ज़्यादा कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, अभी के हिसाब से जिस हिसाब से मेरी टीम लग रही है इस हिसाब से कोई चेंजेस नहीं करना चाहिए, एकदम परफेक्ट है। युवराज तिवारी एज ए कैप्टन तो गेम सरकार को करे, बताता तो इससे कई गुना ज़्यादा चाहिए प्लेयर युवराज, मैं भी विशाल शर्मा सोचा था कैप्टन बट फिलहाल वाइस कैप्टन ही आओ सिचुएशन को देखते हुए। मिलते हैं पार्टी साइड टीलियम पे, हेड टू हेड लेके 100 मेंबर्स तक जा सकते हैं बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले टीलियम चेंज ज्वाइन कर लो, कमेंट बॉक्स में पीने, और हाँ सभी को रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और चैनल तो भाई सब्सक्राइब कर ही लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेलीग्राम चेंज ज्वाइन कर लेना कमेंट बॉक्स में भी, लेकिन सब्सक्राइब मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार।